एपिसोड की शुरुआत में यूरी इनको किस करने के लिए बोलता है और लोइड राजी हो जाता है और लोइड किस करने वाला था, लेकिन योर उसको रोकती है और दारू का बोतल उठाती है और घटघट करके पूरा पी जाती है क्योंकि जोश आएगा। और बीच में ये सोच भी रही होती है कि पहला किस तो लेमन जैसा होता है। और बीच में हम देखते हैं कि यूरी उसको रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये एक जो फॉर्क होता है ना वो फेंक के मारता है, उसका गाल कट भी जाता है और उसके बाद वो उसको किस करने जा रही होती है। तभी यूरी को याद आता कि जब वो 100 में से 100 मार्क लेता था तब जाके उसको एक किस मिलता था और इसको फोकट में किस मिल जाए वो सह नहीं पाता, वो उसको रोकने की कोशिश करता है। और अचानक से यूर को भी होश आता है कि वो उसको किस करने वाली होती है, तो वो एक थप्पड़ लगाने वाली होती है लोइड को, लेकिन लोइड अपना सर झुका देता है और वो थप्पड़ जाके लगता है यूरी को और यूरी बहुत दूर तक गिर जाता है उस थप्पड़ की वजह से, इतना जोरदार थप्पड़ लगा होता है उसको। और जब यूरी गिरता है तो बहुत तेज आवाज होती है जिसकी वजह से आनिया का नींद खुल जाती है और वो बोलती है क्या दुनिया खत्म होने वाली है, और वो फिर से सो जाती है। उसके बाद योर को भी होश होता है, उसने कुछ ज्यादा जोर से मार देते, हम देखते हैं यूरी के पूरे चेहरे से खून आ रहा होता है, बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है उसको। और तब वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, तुम मेरे सामने ही लग पड़े, तुम मेरे सामने ही फ्लर्ट करने लग गए। और तब वो लोइड को भी धमका के बोलता है कि अभी तो मैं तुम्हें इसे किस करने देता हूं, लेकिन बाद में मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। और तभी ये एक और थप्पड़ लगाती है क्योंकि यूरी को बहुत ज्यादा नशा हो चुका था, उसको चढ़ चुकी होती है, उसको पता ही नहीं चल रहा था वो क्या बातें कर रहा है। उसके बाद लोइड सोचने लगता है क्या मतलब बांस फैमिली ये सब कॉमन है, इस तरह से पीटना कॉमन है क्या। उसके बाद योर यूरी को संभालती है, अपने खंधों के ऊपर ले आती है और बोलती है तुम्हारे लिए टैक्सी बुला लूं क्या। और इनके बीच में ये प्यार देख के लोइड को थोड़ा सा मुस्कुरा रहा जाता है और तब ये पूछता है मुस्कुरा क्यों रहा हो, तो वो बताता है कि तुम बहुत ही अच्छे भाई बहन हो इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए हैप्पी हूँ, तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो और तुम भी मेरी ही फैमिली हो, जैसे तुमने इसकी केयर की थी मैं भी इसका वैसा ही केयर करूंगा और तुम चाहो तो जब चाहो तुम यहाँ पे आके केयर कर सकते हो, हम दोनों मिलके योर का बहुत अच्छा केयर कर सकते हैं, वो इतना बोलता है। उसके बाद यूरी भागते हुए चला जाता है और बोलता है अगर तुमने मेरे बहन के साथ कुछ भी खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इतना धमकी देके वो भाग जाता है यहाँ से। उसके बाद लोइड को टेबल साफ करता हुआ दिखाया जाता है और जहाँ पे लोइड सोच रहा होता है वो एक सीक्रेट फुलिस है, क्या योर को ये बात पता है, वो इसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। और तभी योर आती है, इसको थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरे भाई का बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखा, तो वो बोलता है कि सच बताऊं तो मेरी बेटी को छोड़ के मेरे पास और कोई रिलेटिव्स है ही नहीं, और मन के अंदर सोचता है कि जो बेटी फेक है ये तो मेरी असली बेटी भी है नहीं। उसके बाद ये दोनों लवी डबी बेड की तरफ जाते हैं जहां पे बोलते हैं कि हमें अलग सोना चाहिए और ये अलग हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि आनिया सो रही होती है और नींद में बोल रही होती है कि पापा दुनिया को सेव कर लो। यहां पे योर भी सो रही होती है और योर बोल रही थी कि लोइड को मत मारो, यूरी लोइड को मत मारो, यानी कि शायद सपने में वो लोइड को पिटता हुआ देख रही होती है। और लोइड यहाँ पे बैठ के तो आराम से मतलब बुक पढ़ रहा होता है और साथ में जो कुछ भी हुआ ना दिन के अंदर वो सब सोच रहा होता है। उसके बाद हम यूरी को देखते हैं जो दो बंदों से पूछता है कि स्टेशन का रास्ता क्या है, और बोलते हैं तुम्हें मेडिकल जाना चाहिए, पहले तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि इसको बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी होती है, लेकिन इसको स्टेशन जाना है, इसको मेडिकल नहीं जाना, बड़ा अजीब बंदा यार ये तो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आनिया को दिखाया जाता है जो अभी उठ चुकी है, वो ग्रेटिंग कर रही होती है और योर तब बोलती है कि मुझे बुरा लगा कि तुम यूरी से नहीं मिल पाए। तब आनिया बोलती है कौन यूरी, मतलब आनिया को कुछ याद ही नहीं है कि उसका एक अंकल भी उससे मिलने के लिए आया था। उसके बाद वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है और खाना पकाने के लिए चली जाती है और ये अपना पावर यूज करके देखती है कि इन दोनों के बीच कुछ तो प्रॉब्लम है और बोलती है कि मम्मी पापा को लड़ना नहीं चाहिए। और लोइड अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये तो एक सीक्रेट पुलिस है, यानी कि यूरी एक सीक्रेट पुलिस है, जो बात आनिया अपने दिमाग के अंदर सुन लेती है और बोलती है कि एक्साइटिंग। उसके बाद आनिया चिल्लाती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मिलाया मेरे अंकल से, और तब लोइड बोलता है कि तुम सो गई थी इसलिए मैं तुम्हें नहीं मिला पाया। उसके बाद वो सब खाना खाते हैं जहाँ पे आनिया बोलती है कि ये खाना बहुत ज़्यादा बकवास है और सच में बकवास होता है, और क्योंकि इसने अच्छी तरह से पकाया नहीं होता क्योंकि उसको चिंता हो रही होती है ना अपने भाई की, इसलिए उसने अच्छा पकाया नहीं होता। और रात का सीन भी इसके दिमाग के अंदर चल रहा था वो किस वाला सीन, तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना होता है। उसके बाद लोइड एक ट्रांसमीटर अपने हाथ में लेता है और सीधा योर की तरफ बढ़ता है और योर को बोलता है कि तुम्हारे कॉलर पे कुछ लगा है, और धीरे से उसको चिपका देता है उस ट्रांसमीटर को ताकि जो कुछ भी बातें हो ये सुन सके। और योर को ऐसा लग रहा था कि शायद वो अभी किस करने वाला होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद योर सोचती है कि रात में जो कुछ हुआ मैं उसको भुला ही नहीं पा रही हूँ। उसके बाद ये दोनों आनिया को स्कूल तक छोड़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद अपने काम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन आनिया बीच में बोलती है कि मम्मी पापा को लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इसने सब कुछ इनके दिमाग में जो था पढ़ लिया था, तो ये बात बोल देती है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम यूरी को देखते हैं जिसका साथ में एक पुलिस वाला होता है, वो बोलता है कि तो तुम्हारा दिन कैसा गया तुम्हारी बहन के घर में, तो ये बोलता है कि
मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तब वो बोलता है कि मैं श्योर हूँ इसका मतलब तूने जरूर दारू पिया होगा और तू दारू पी के भाई साहब अपने बहन के पति से लड़ पड़ा होगा। तो ये बोलता है कि नहीं, वो एक अच्छा इंसान है लेकिन मुझे शक है, क्योंकि अगर इतना अच्छा है तो मुझे तो शक है कि शायद वही कोई स्पाई होगा, क्योंकि स्पाई ही इतने अच्छे होते हैं, असली दुनिया में इतने अच्छे लोग होते कहाँ हैं। और तभी उसको याद होता है कि उसने एक ट्रांसमीटर वहाँ पर चिपकाना चाहिए लेकिन उसने नहीं चिपकाया होता है, जिसकी वजह से वो अपना सर दीवार पीट रहा होता है कि मैंने आखिर एक ट्रांसमीटर क्यों नहीं चिपकाया वहाँ पर। उसके बाद वो दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि दीवार पर अपना सर पटकना बंद करो, अपनी बहन को जरा शांति से रहने दो, उसकी जिंदगी में दखलअंदाजी मत करो और अपना सारा फोकस अपने काम पे लगाओ, जिसकी वजह से हम टॉयलेट को पकड़ पाएंगे। उसके बाद योर को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा चिंतित होती है और दुखी होती है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था काम करने में, और वो अपने दोस्तों को बताती है कि एक वाइफ की नजरिए से देखा जाए तो मैं एक फेलियर हूँ, मैं एक अच्छी वाइफ बन ही नहीं पाई। तो अब इसके दोस्त पूछते हैं क्या तुम्हारा झगड़ा हो गया तुम्हारे हस्बैंड के साथ, बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन मुझे नहीं पता कि एक वाइफ को कैसा रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, वो इतना बोलती है। और तब हम देखते हैं कि ये सारी बातें लॉयड सुन रहा होता है और लॉयड को समझ में आ जाता है कि इसको इसके भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि योर को कुछ भी नहीं पता कि यूरी एक सीक्रेट पुलिस है। उसके बाद योर का जो बॉस होता है वो एक लेटर लाके योर को देता है और बोलता है कि तुम्हें इसको पोस्ट ऑफिस के अंदर पोस्ट कर देना है, और हम देखते हैं ये निकल जाती है लेकिन उसके दिमाग के अंदर वही सब चल रहा था और साथ में सोच रही थी कि हमारा दो सेपरेट अकाउंट है, अगर एक जॉइंट अकाउंट होता तो मैं फाइनेंशियली लॉयड को कुछ मदद कर पाती। उसके बाद दो पुलिस वाले योर के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें शक है कि तुम जरूर स्पाई हो या फिर स्पाई के साथ मिलकर काम कर रही हो, इसलिए हमें तुम्हें सीक्रेट मतलब चेक करना पड़ेगा, हमसे तुम्हें बात करनी पड़ेगी। और वो बोलती कि नहीं ऐसा कुछ तो है नहीं, मैं सिर्फ एक मैरिड वुमेन हूं। और तभी हमें पता चलता है कि ये दो पुलिस वाले और कोई नहीं लॉयड और फ्रैंकी है। उसके बाद लॉयड एक चिट्ठी दिखाता है और बोलता है कि इसके अंदर मेंशन है तुम्हारा नाम है, और ये बोलती है तुम्हारा नाम क्या, तो ये बोलती है योर 40 बोलती है यही तो लिखा है यहां पे, फ्रैंकी इतना बोलता है और उसके साथ आगे बढ़ता है और बोलता है कि हमें चेक करने दो, और फ्रैंकी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और योर उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और बोलती है कि मैं सिर्फ एक मैरिड वुमेन हूं, अगर तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं और तुम्हें शायद बहुत बुरी तरह से पीट भी दूं। उसके बाद लॉयड वो चिट्ठी अपने हाथ में लेता है और बोलता है सॉरी मिस लेडी, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने इसको डिकोड गलती से कर दिया था, इसमें तुम्हारा नाम नहीं है, इसमें किसी और का ही नाम है, और तुम ये बात किसी को मत बताना क्योंकि अगर तुम ये बात बताओगे तो शायद तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि सीक्रेट पुलिस ऐसे ही काम करते हैं। और इसके बाद ये दोनों निकल जाते हैं। उसके बाद लॉयड बोलता है कि मैं उसको मतलब ऐसे ही शक कर रहा था, उसको पता ही नहीं है कि यूरी एक सीक्रेट पुलिस है। और तभी फ्रैंकी बोलता है तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है ना, है ना। उसके बाद लॉयड इसका मास्क उतार देता है और बोलता है तुम कुछ ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेते हो जब तुम ये मास्क लगाते हो। तब ये चिल्ला के बोलता है कि मैं इस मास्क की बदौलत 3-4 लड़कियां पटाने वाला था, तुमने इसको निकाल कैसे दिया मेरे मुंह से। उसके बाद हम योर को देखते हैं जिसके दिमाग में वही सब चल रहा था, लेकिन अचानक से तब लॉयड उसके पास होता है और बोलता है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा वगैरह वगैरह पूछताछ करता है और बोलता है कि तुम्हारे कॉलर पे कुछ लगा है, और हाथ मार के फिर से वो जो ट्रांसमीटर होता है उसको निकाल देता है और उसको तोड़ देता है। उसके बाद योर चारों तरफ खुशी खुशी कपल को देखती है और सोचती है कि मैं तो एक अच्छी वाइफ भी नहीं बन पाई, एक्टिंग तक नहीं कर पाई। और अचानक से वो लॉयड को थैंक यू बोलती है कि तुमने इतनी ज्यादा केयर की मेरी और मेरे भाई की, और बोलती है कि मुझे खुशी है कि मैंने तुमसे शादी की। उसके बाद लॉयड भी अपने दिमाग के अंदर सोच रहा होता है कि मैं रिग्रेट तो नहीं कर रहा ना कि मैंने उसके ऊपर सस्पेक्ट किया, यानी कि इन दोनों के अंदर अभी कुछ ना कुछ चल रहा है भाई साहब। और साथ में लॉयड बोलता है कि क्यों ना हम अपने एनिवर्सरी के लिए कुछ लेके चले जाएं, कुछ केक वेक लेके जाएं, कुछ एनिवर्सरी के जैसा कुछ बनाएं। उसके बाद आन्या को दिखाया जाता है जो अपने घर के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पे लॉयड और योर मिलके कुछ खाना पका रहे हैं, यानी कि केक बना रहे थे, कॉफी वॉफी कुछ कुछ बना रहे हैं। और आन्या बोलती है कि मम्मी डैडी फिर से दोस्त बन गए, तो लॉयड बोलता है कि हम कभी झगड़ा ही नहीं किया था तो दोस्त क्या बनेंगे, पहले से हम दोस्त ही थे। और उसके बाद हमें वो कॉफी दिखाया जाता है और केक दिखाया जाता है और एपिसोड यहां पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर देना, और सब्सक्राइब भी कर दिया है तो शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, इसको शेयर कर दो, और जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए, तो एकदम जोरों से एकदम टन करके घंटी को बजा देना।